नमस्कार, मेरा नाम है मित्र गैजेट्स फॉर यू, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन देने वाले हैं मी बैंड 4 का। जी हाँ, अभी तक ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ही जल्द आने वाला है इंडिया में और उम्मीद लगाई जा रही है कि रेडमी K20 और रेडमी K20 प्रो के साथ में आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं प्राइसिंग की, तो चाइना में ये अलग अलग 3 वेरियंट में लॉन्च हुआ है। जो बेस वेरियंट है वो लगभग 1700 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में लॉन्च हुआ है, अगर हम इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करते हैं। जो दूसरा वेरियंट है वहाँ पर आपको NFC फीचर देखने मिल जाता है, जो कि लगभग 2300 रुपए के आसपास है। और जो तीसरा वेरिएंट है वो स्पेशल एडिशन है, जो एवेंजर एडिशन है, वो आपको मिल सकता है लगभग 3500 रुपए के आसपास। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये तीनों वेरिएंट आपको इंडिया में देखने को मिल जाएं। तो आज के इस वीडियो में करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कैसे सेटअप करना है और कैसा यूजर इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके बाद क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं MI बैंड 3 के साथ में कि यहाँ पर आपको क्या क्या अपग्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं MI बैंड 3 से। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं अनबॉक्सिंग, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों, ये है बॉक्स MI बैंड 4 का। इस बार जो पैकेजिंग है कुछ अलग हमको देखने को मिल रही है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर भी है और नीचे लिखा है 4। और अगर हम बात करते हैं कुछ की हाइलाइट फीचर की, तो वो भी हमें यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बार हमें मिलने वाला है कलर टच स्क्रीन। इसकी जो रेटिंग है वो है 580 mAh वाटर रेजिस्टेंट। मैसेज भी आपको मिलने वाला है, 20 डेज का बैटरी लाइफ आपको मिलने वाला है। कुछ फीचर्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन डिस्प्ले, स्लीप एंड स्टे ऑटो मॉनिटरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कलर स्क्रीन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो चलिए आप अनबॉक्स कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से ये अनबॉक्स होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने मिलता है ये बैंड। चलिए रख लेते हैं इसको एक बार साइड में, चलते हैं बॉक्स कंटेंट की तरफ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और इसके अलावा हमें देखने मिल रहा है चार्जर। और दोस्तों, ये है MI बैंड 4। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो ये जो आप बैंड देख रहे हैं, ये रबराइज मेटल का बना हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टफ है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल देखने को मिल रहा है। जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। और अगर हम बात करते हैं इस बैंड की, तो ये 2.5D ग्लास के साथ में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बार आपको जो डिस्प्ले है इसका, वो एमोलेड देखने को मिल रहा है। जो स्क्रीन साइज़ है वो 0.95 इंचेस का है। और यहाँ पर जो टच रेस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और जो फील है, जो हैंड्स ऑन फील है, ये भी काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिल रहा है। बैक साइड की बात करें, तो यहाँ पर आपको हार्ट रेट मॉनिटर और MI का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब इसको जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू, और फिर देखते हैं कि ये कैसा काम करता है और हमें यहाँ पर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसे पेयर करने के लिए आपको डाउनलोड करनी होती है मेफिट ऐप अपने फ़ोन में। तो चलिए पेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम करना है बैंड को पेयर, और हम कर देते हैं यहाँ पर ओके। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लेंथी प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पेयर हो चुका है कंप्लीट, और जो इसकी सेटिंग है उसको रिस्टोर कर रहा है, और ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होंगी, आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मेनू ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ कस्टमाइज सेटिंग अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से। तो फ़ोन की एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि अनलॉक स्क्रीन, इनकमिंग कॉल, इवेंट रिमाइंडर, अलार्म, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा फाइंड मैप बैंड, ये ऑप्शन भी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको अनलॉक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और कुछ वाइब्रेशन भी फील होगा। और इसके अलावा भी आप कुछ सेटिंग्स और कर सकते हैं। चलते हैं इसके मेन मेनू की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अलग अलग वर्कआउट मोड देखने को मिल जाते हैं, वॉकिंग या रनिंग, साइकिलिंग। तो ये सारे वर्कआउट मोड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो वॉच फेसेस है, या फिर आप कह सकते हैं जो बैंड फेसेस हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। पहले ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि पहले कलर स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलता था, और इस बार आपको जो एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर जो आपको बैंड के फेसेस हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिया है, और अब आपको ये हमारे बैंड पर देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वॉच फेस आ गया है। तो ऐसे आप करीब 70 से ज़्यादा वॉच फेसेस को यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, बैंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, सबसे पहले तो वॉच फेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन, वेदर, वर्कआउट, हार्ट रेट मॉनिटर यहाँ पर दिया गया है, स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। मोर में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अलार्म, म्यूज़िक, स्टॉप वॉच, टाइमर, ये सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं। अगर आप बैक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक कैपेसिटिव टच बटन भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको छोटा सा टच बटन देखने को मिलेगा जो कि कैप्सूल टच बटन है। तो इस तरीके से आप यहाँ से बैक आ सकते हैं। तो जो एक टच एंड फील है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो स्क्रीन काम कर रही है, जो टच रिस्पॉन्स है ये भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और जायरो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 135 mAh का बैटरी देखने को मिलता है और Xiaomi के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपको बैटरी लाइफ मिलने वाला है वो 20 डेज़ का है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे चार्ज करने के लिए आपको ट्रैकर से बैंड से निकालना होगा और कुछ इस तरीके से इसके चार्जर में फिट करना होगा, जिसके बाद आप इसको चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप चार्ज करेंगे अपने MI Band 4 को। यहाँ पर एक बार हार्ट रेट को भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है, एक्यूरेट है या नहीं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट रेट आ गई है, तो ये नॉर्मल हार्ट रेट है और ये बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग MI Band 4 का। यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या फीचर्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कैसे सेटअप करना है और कैसा यूज़र इंटरफेस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या अपग्रेड देखने को मिल रहा है MI Band 3 से। तो मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्क्रीन साइज़ है, पहले आपको MI Band 3 में देखने को मिलता था 0.78 इंचेस का स्क्रीन साइज़, जबकि यहाँ पर 0.95 इंचेस का स्क्रीन साइज़ दिया गया है। और जो डिस्प्ले है वहाँ पर भी डिफरेंस है। जी हाँ, OLED डिस्प्ले हमको देखने को मिलता था MI Band 3 में, जबकि इसमें दिया गया है AMOLED डिस्प्ले, और वो भी कलर डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, आप अलग अलग वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं, जबकि पहले वहाँ पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल रहा था वो ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले था। तो ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे देखने को मिला है MI Band 3 और MI Band 4 में, जी हाँ काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो यहाँ पर हमें कोई भी बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट इसका जो प्राइसिंग है पहले से कम है, तो ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। जो दूसरा डिफरेंस है वो है इसके ग्लास के ऊपर, ये आपको मिलता है 2.5D ग्लास के ऊपर, जबकि जो MI Band 3 था वो 2.5D ग्लास के साथ में नहीं आता था। इसके अलावा यहाँ पर हमें सेंसर्स में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जी हाँ, वर्कआउट या फिर एक्टिविटी के लिए जो सेंसर यूज़ किए जाते थे MI Band 3 में वो 3 एक्सेस थे, जबकि MI Band 4 में यूज़ किए जा रहे हैं 6 एक्सेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको और एक्यूरेसी के साथ में एक्टिविटी देखने को मिलेगी और ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं NFC वाले वर्जन की, तो वहाँ पर आपको NFC एक्स्ट्रा देखने को है, जो कि MI Band 3 में नहीं आता था। तो आप जो पे फीचर होता है वो भी अब यूज कर सकते हैं। और MI Band 4 में आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप जो Xiaomi के स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनको वॉइस कमांड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि फीचर आपको MI Band 3 में देखने को नहीं मिलता था। तो ऐसे कुछ 4-5 फीचर्स मुझे देखने को मिले हैं MI Band 3 और MI Band 4 से। सबसे पहला जो वहां पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले देखने को मिलता था, जो OLED डिस्प्ले था, लेकिन यहां पर आपको कलर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे जो कि MI Band 3 और MI Band 4 में हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो यहाँ पर हमें कोई भी प्राइस डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट MI Band 4 का जो प्राइसिंग है वो कम रखा गया है MI Band 3 से। तो अगर इंडिया में भी ये इसी प्राइस के आसपास आता है, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट फिटनेस बैंड है जो कि आपको इस प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास और कोई सवाल है सुझाओ तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।